अभी हम 8.4 का लास्ट सम मतलब फिफ्थ सम का लास्ट सम पे पहुंच गए। तो समझ लो कि अभी हमने पूरा चैप्टर डिटेल में किया हुआ है, तो अभी लास्ट सम पे फोकस करते हैं। लास्ट सम थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है, पॉइंट समझना है कुछ नया ये है। यहाँ हमारे पा तीन पार्ट में पॉइंट दिया हुआ है, पार्ट वन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बहुत आसानी से दिया हुआ है कि 10² a लाना है, मतलब ये आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके 10² a लाओ, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके 10² a लाओ और थर्ड में तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम पार्ट वन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है, 1 + 10² a 1 + अपॉन में 1 + cot² a। जैसे ये स्टेप होता है तो आप बोलोगे सर इसको आगे हम कैसे ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ, उस टाइम स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ। sec² a -10² a इज इक्वल टू 1। दूसरा जो लिखना है cosec² a -cot² a इज इक्वल टू 1। अभी यही टर्म को हमको दूसरे टर्म में लिखना है, तो लिखते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। sec² इज इक्वल टू 1 + 10² a दिया हुआ है तो a लिखेंगे। सेम वे cosec² इज इक्वल टू, तो आप क्या बोलोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर लिखो 1 + cot² a। और आखिर में एक और भी स्टेप लिख ही लेते हैं, 10 थीटा इज इक्वल टू sin θ अपॉन cos θ। तो जैसे ये स्टेप होता है तो उससे आगे हम चलते हैं। यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं, 1 + 10² इज इक्वल टू sec² a और यहाँ पे लिखेंगे cosec² a। अभी आप बोलोगे सर cosec² की जगह हम लिख सकते हैं 1 upon sin² a। अभी हम बोलेंगे sec² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे 1 upon cos² a और यहाँ पे लिखेंगे 1 upon sin² a। तो लिखेंगे 1 upon cos² a into sin² a upon 1। तो हो जाएगा, आप बोलोगे सर लिखो sin² a upon cos² a। तो बच्चा बोलेगा कि सर ये तो अभी आपने लिखा, ये क्या आएगा, तो आप लिखोगे 10² a। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अभी हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आप क्या लिखोगे, तो दिया हुआ है कुछ इस तरह, 1 - 10a² अपॉन में 1 - cot। तो अभी आपको वो तो पता ही है कि ये सब में मुझे 10² चाहिए, तो आप बोलोगे सर कॉट को चेंज करो, तो हम लिख सकते हैं कॉट की जगह कॉट इज इक्वल टू cot θ इज इक्वल टू 1 upon tan θ। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो 1 - 10a² और यहाँ पे लिखो कि 1 - 1 upon 10a। जैसे ये होगा तो फिर से एलसीएम की बारी आएगी, तो एलसीएम हम लेना शुरू करते हैं। ऊपर तो सेम ही रहने वाला है, यहाँ पे कुछ चेंज होगा, मल्टीप्लाई होगा 10a - 1 upon 10a। ये 10 न्यूमरेटर में जाएगा तो होगा 10a ब्रैकेट में 1 - 10a अपॉन में क्या बचेगा, 10 - 1। अभी आप बोलोगे सर इसमें -1 कॉमन निकालना पड़ेगा। सपोज हम न्यूमरेटर में से निकालते हैं, तो आपको वो करने के लिए कैसा स्टेप होगा वो ध्यान से देखिए।
आप बोलोगे सर माइनस वन कॉमन निकालोगे तो होगा टेन ए माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे होगा टेन ए माइनस वन, और नीचे भी बचेगा टेन ए माइनस वन का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर टेन टेन स्क्वायर नहीं बोलेंगे, तो अभी हम लिखेंगे टेन ए माइनस वन, टेन ए माइनस वन जैसे होगा तो ये कट हो जाएगा। आप बोलोगे सर बचा टेन ए का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा टेन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर ए मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट पार्ट भी आ गया, सेकंड पार्ट भी आ गया और थर्ड पार्ट भी आ गया। इसके साथ बोल सकते हैं कि आपको ये पूरा सम समझ में आया होगा। हमारे साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, अब आगे जाएंगे।